राजस्थान के स्पीकर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या चुने गए प्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं जता सकते। असहमति को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा है कि वह 24 जुलाई को अपना आदेश पारित करें, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई सोमवार को करेगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता मामले की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। स्पीकर ने 19 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत अन्य ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पीकर के आदेश को चुनौती दी थी। अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करे कि संविधान के तमाम अथॉरिटी अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत है। तब सिब्बल ने कहा कि आप हाई कोर्ट के आदेश को सस्पेंड कर सकते हैं। तब अदालत ने कहा कि इसके लिए हमें मामले का निरीक्षण करना होगा, लेकिन सिब्बल की दलील थी कि फिर अर्जी ही बेकार हो जाएगी। सिब्बल ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सिब्बल ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा कि वह आदेश पारित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट का फैसला निर्भर करेगा।